अजमेर में रविवार को सकल हिंदू समाज की ओर से निकाला गए शांति मार्च में नूपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद ऐसे नारे लगाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ अलवर गेट थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिसकी जांच क्लॉक टावर थानाधिकारी संजय शर्मा को सौंपी गई है। जानकारी के मुताबिक 26 जून को सर्व हिंदू समाज की ओर से अजमेर में एक रैली निकाली गई थी, जिसके लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर अजमेर की ओर से शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन अजंता टॉकीज के पास सर्व हिंदू समाज द्वारा इस रैली में आगे आगे चलने वाले कुछ अज्ञात लोगों की ओर से नूपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। ऐसे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजमेर की ओर से दी गई स्वीकृति के शर्तों का उल्लंघन किया गया। अज्ञात लोगों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध किया। इन अज्ञात लोगों की वीडियो फोटो देखकर पहचान की जाएगी। मामले की जांच क्लॉक टावर थाना प्रभारी संजय शर्मा को सौंपी गई है। हाँ सर, किस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मामला है? कल दिनांक 26/2022 को सर्व समाज द्वारा अजमेर में एक रैली निकाली गई थी, जिसमें कलेक्टर अजमेर से शर्तों के दिन रैली की स्वीकृति दी गई थी। उक्त रैली में अज्ञात लोगों द्वारा रैली की शर्तों का पालन नहीं किया गया, जिस पर थाना अलवर गेट में एक प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान थाना अधिकारी महोदय थाना क्लॉक टावर कर रहे हैं। कुल कितने लोगों के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ? अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज को ठीक है। राजपाल पोस्टर पुलिस थाना अलवर गेट। सर,